हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि। आज हम लोग बात करेंगे कन्नड़ा शॉर्ट फिल्म के बारे में, जिसका रिव्यू करने के लिए मुझे मेरे एक व्यूवर जिसका नाम है हरवेश ने कहा था। तो फाइनली मैंने शॉर्ट फिल्म देख लिया, और जब शॉर्ट फिल्म देखा तो मुझे लगा नहीं, ये शॉर्ट फिल्म का जो मैसेज है बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं बहुत सारी शॉर्ट फिल्म देखता हूं, लेकिन कभी मैं इसका रिव्यू नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसी शॉर्ट फिल्म होती जो आपके दिल को लगती है कि नहीं यार, इसको प्रमोट करना ही चाहिए। तो यार मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरे थ्रू शायद इस शॉर्ट फिल्म को बहुत सारे लोग देखे। हालांकि इसको 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी देख चुके, लेकिन फिर भी मैं चाहता कि ये और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, स्पेशली गर्ल्स तक पहुंचे। क्योंकि दो तरह की लड़की होती है, एक तो इस तरीके की रेपिस्ट लोगों से लड़ती है, और दूसरी बेचारी जो इनसे डरती है। क्यों डरती है? वो रेपिस्ट लोगों से नहीं डरती, वो समाज से डरती है, वो सोसाइटी से डरती है। क्योंकि सोसाइटी वाले बहुत बड़े, वो रेपिस्ट से भी बड़े रेपिस्ट होते सोसाइटी के लोग, यानी कि जो लोग उस लड़की पे उंगली उठाते कि तू रात को निकली, तू छोटे कपड़े पहनी, या तूने पहल की होगी, ये बहुत सारी बातें उस लड़की को ही मुजरिम बना देते हैं। तो बेचारी लड़की सोसाइटी के डर से वो लड़कों के सामने हार मान जाती है और उसको रेप कर देते हैं। अब इससे उस लड़की का क्या होता है कि सोसाइटी वालों को नहीं पता चलता कि भाई इस लड़की के साथ रेप हुआ, लेकिन इस लड़की को मालूम है कि मेरे साथ रेप हुआ, और ये पूरी जिंदगी वो उस टॉर्चर में जीती है। तो ये जो शॉर्ट फिल्म है ये कुछ इसी मैसेज को बताती है, जो कि बहुत ही मुझे पर्सनली अच्छा लगा। और द वे ऑफ डायरेक्शन बहुत बेहतरीन था, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, डायलॉग्स काफी अच्छे, इंग्लिश सबटाइटल के थ्रू हमें सब कुछ जानने मिलता, प्लस इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज किया गया, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा। क्योंकि इससे फायदा होगा कि सिर्फ कन्नड़ ऑडियंस ही नहीं, दूसरी ऑडियंस भी इस शॉर्ट फिल्म को देख के समझ सकती जो मैसेज वो लोग देना चाहते हैं। उसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करो, अनुपमा गौड़ा का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, स्क्रीन पे डायलॉग स्टोरी जैसे कि मैंने बहुत अच्छा है। और कुल मिला के ये जो एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आज जो हमारे समाज में जो सिचुएशन है, अभी लॉकडाउन होने की वजह से जितने भी दरिंदे, जितने भोसड़ी वाले घर में कैद है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा सबसे पहले ये भूखे दरिंदे फिर से घूमना शुरू हो गए और फिर से लड़कियों पे सेक्सुअल असॉल्ट करेंगे, एब्यूसिंग करेंगे। लेकिन ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारे देश में ऐसी लड़कियां नहीं हो जाए जो इस लोगों के लिए लड़े, इनसे लड़े। लड़ेगी तो मैं मानता हूं कि जान जाएगी, लेकिन जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक ये फायदा कैसे होगा? और जो इनके पीछे जो 550,000 जो लड़कियां, उनकी जिंदगी बचेगी अगर आज कोई लड़की खड़े होकर इनके खिलाफ आवाज उठाएगी तो। और साथ साथ मैं बोल रहा कि इन लड़कियों के साथ आपका, मेरा, हम सबका फर्ज है कि इनके साथ खड़े रहना, ताकि इन लोगों को ये महसूस हो कि ये लोग अकेले नहीं है, इनको लगे कि इनके साथ भी कोई। और वो भोसड़ी वाले दरिंदों को इतना बोलूंगा कि अभी हमारे कानून में कोई ऐसी कोई सख्त हमारा कानून हुआ नहीं तुम जैसे भोसड़ी वालों के लिए, लेकिन बहुत जल्द हमारा कानून भी स्ट्रिक्ट होगा जहां पर तुम लोगों को ताबड़तोब सजा मिलेगी। जैसे कि निर्भया केस में जिस तरीके की फांसी हुई, हालांकि वो काफी साल लगे लेकिन जस्टिस हुआ ना, तो वैसे ही तुम जैसे भोसड़ी जो सोच रहे हो इस तरह के कांड करने के लिए, तो खबरदार, अभी ये नया इंडिया है और ये जो लोग है तुम लोगों की ऐसी हालत कर देगी कि मतलब तुम किसी का रेप तो क्या, तुम कभी उसके बारे में सोच भी नहीं पाओगे, इतनी बुरी हालत कर देगी। और मैं इतना कहता हूं कि उन सारी लड़कियों के प्लीज अपने इंसाफ के लिए लड़े, अपने आप को अकेले मत समझो और जस्टिस पे भरोसा रखे। और बस सोसाइटी वाले कुछ नहीं, सोसाइटी वाले भोसड़ी वाले इससे बड़े रेपिस्ट सोसाइटी वाले, उसके बाद वो छोटे रेपिस्ट है जो रेप करते। तो ये जो सोसाइटी वाले इनसे ना डरे, अपने हक के लिए आगे बढ़े। और मैं अरहान एंटरटेनमेंट आप जैसी लड़कियों को हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा। और कुछ जैसे दरिंदे भोसड़ी वालों, तो तुम लोग के घर में अगर माँ है, बहन है या बेटी है, तो कुछ उनका चेहरा देखो और कुछ फिर सोचो कि तुम लोग क्या सोच रहे हो किसी लड़की के लिए, किसी लड़की की जिंदगी खराब करने के लिए। कुछ ही मिनट लगते हैं और उस लड़की की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है उसमें। जरा कुछ सोचो यार, इंसानियत लाओ, वरना तुम्हारे में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा। तो यार बस यार इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, दुआ में याद रखना। मैं हूँ रांची से और आप सब अरहान एंटरटेनमेंट।